वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के शुरुआती सेशन में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। लंच तक वेस्टइंडीज टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज के धरती पर इतिहास रच दिया। लंच ब्रेक से पहले खेले गए आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा के खाते में भी 1 विकेट आया। इस ओवर में जडेजा ने मोहम्मद सिराज के हाथों जर्मेन ब्लैकवुड को आउट कराया। मोहम्मद सिराज ने शानदार तरीके से डाइव लगाते हुए उनका कैच लपका। ये कैच देखकर हर कोई दंग रह गया। हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाह क्या कैच है। इस कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पहले दिन का पहला सेशन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। इस सेशन में वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन बनाए। वहीं लंच ब्रेक से पहले 28वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली। जर्मेन ब्लैकवुड को जड्डू ने 14 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। हालांकि जडेजा से ज्यादा इस विकेट को लेने में मेहनत मोहम्मद सिराज ने की। ऑफ स्टंप की बाहर की फुलर लेंथ गेंद को ब्लैकवुड जडेजा के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े मोहम्मद सिराज ने डाइव लगाते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच लपका, जिसके बाद उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं उनकी फुर्ती देख हर कोई हैरान रह गया। इस कैच को पकड़ते ही मोहम्मद सिराज जमीन पर लेट गए और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि शायद उन्हें कोहनी में भी कुछ चोट लगी है। वहीं इस बीच जडेजा सिराज के पास पहुंचे और उनका हाल चाल पूछा। ये वीडियो खूब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फैंस सिराज के जज्बे को देखकर सलाम ठोक रहे हैं। वहीं दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के बीच में 10 सेकंड आपका लेना चाहता हूं। अगर आप भी क्रिकेट और कैसीनो जैसे गेम्स को प्रिडिक्ट कर मेरी तरह लाखों हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वनविन ऐप को इंस्टॉल करें और मेरे दिए गए रेफरल कोड से डाउनलोड करने पर आपको 500% तक का बोनस मिल सकता है। तो अभी जाएं और डाउनलोड कर अपना लक आजमाएं।